अगला मसला ये है कि काफिर कुछ अरसे तक गुनाह करता है, इसका अजाब हमेशा क्यों है? हमेशा की जहन्नम इसके मुकद्दर में क्यों लिखी गई? गुनाह 60 साल किए, 70 साल किए, 80 साल किए, लेकिन अजाब हमेशा हमेशा में के लिए इसके लिए होगा। इसका जवाब ये है कि लोगों ने ये उसूल ही गलत बनाया है कि जुर्म और सज़ा इसकी मुद्दत एक होनी चाहिए। इस सवाल का मंशा यही है, इस सवाल से यही चीज़ समझ में आती है कि जितना जुर्म किया है इतने ही सज़ा की मुद्दत होनी चाहिए। 60 साल, 70 साल, 80 साल कुफर किया है तो 60 साल, 80 साल, 70 साल जहन्नुम में रहना चाहिए। ये है इस सवाल का असल मकसद। तो दुनिया के कवानीन में भी इस तरह नहीं होता। एक आदमी डकैती करता है 2 घंटे तो उसको सज़ा जो मिलती है 2 घंटे की जेल नहीं मिलती, इसको 7-8 साल की जेल इसको मिलती है। एक आदमी कत्ल करता है, उस कत्ल का वक्त 2 मिनट होता है, लेकिन इसके बदले में वो उम्र भर कैद हो जाता है, या उसको भी सज़ा उम्र भर कैद होगी, उसके बाद सज़ाए मौत सुनाई दी जाएगी। तो हमेशा दुनिया के कवानीन में भी जुर्म और सज़ा इसकी मुद्दत एक नहीं होती। तो जब दुनिया में भी है तो आखिरत में भी इस तरह नहीं होगा कि 60 साल जुर्म, 60 साल, 70 साल, 80 साल तक जुर्म किया और इसकी सज़ा भी इसी तरह इसको मिलती रहे। दुनिया की कवानीन में इस तरह नहीं है, आखिरत की कवानीन में भी इस तरह नहीं है। दूसरी बात यह है कि जुर्म तो इतना सख्त नहीं है, फिर सज़ा इतनी सख्त क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि असल में गुनाह सज़ा का ताल्लुक उसकी नीयत पर होता है। काफिर की ये नीयत है कि अगर मैं 1000 साल, 1 लाख साल तक, 2 लाख साल तक जिंदा रहा तो कुफर ही पर रहूँगा। और मुसलमान की भी एक नीयत ये होती है कि अमर मुझे अगर 1 लाख साल भी मिले, 10 लाख साल भी ज़िंदगी मेरी रही तो मैं मुसलमान ही रहूँगा। इसी नीयत की वजह से इस पर क़यामत के दिन फैसला होगा। और नीयत का बहुत बड़ा एक किरदार है। एक आदमी दुकान पर जाता है किसी दुकानदार के पास और वो शरबत मांगता है, इसकी बजाय दुकानदार शरबत की बजाय दुकानदार इसको शराब दे देता है, तो अब ये शराब पी ली इसने, गुनाह नहीं होगा क्योंकि नीयत इसकी शरबत की थी। एक दूसरा शख्स जाता है दुकानदार के पास, वो शराब मांगता है, दुकानदार इसको शरबत दे देता है, वो पी लेता है, गुनाह होगा क्योंकि इसकी नीयत शराब पीने की थी। और अगली बात ये है कि ये जो कुफर है ये अल्लाह के हुकूक को ख़त्म करने वाला है, और अल्लाह के हुकूक की कोई हद नहीं है, ला मुतनाई है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। तो लिहाजा ये जो कुफर है वो अल्लाह के हुकूक की पूरी गैर मुतनाई जो हदूद है उसको पार करते हैं, लिहाजा सज़ा भी हमेशा होगी। और मुसलमान अल्लाह के हुकूक की रियायत रखता है तो इस रियायत और अल्लाह के हुकूक की कोई इंतहा नहीं, तो इसी वजह से इसको जन्नत भी ऐसी मिलेगी जिसकी कोई इंतहा नहीं, जो हमेशा हमेशा उस जन्नत में रहेगा। अब इसी के साथ एक मसला और भी बताऊं कि वो काफिर जिन्होंने नेक आमाल किए उसके बाद इसको ईमान की दौलत नसीब हुई, मुसलमान हुआ, तो उसके पिछले नेक आमाल ज़ाया होंगे या नहीं? इसमें शरीयत का ये कि पिछले नेक आमाल ज़ाया नहीं होंगे, उस पर उसको अजर मिलेगा। और दूसरी बात ये कि अगर कोई काफिर ईमान ले आए उसकी पिछली जितनी भी गुनाह है सारे ही माफ़ हो जाएंगे। ये ऐसा है जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ बिल्कुल मासूम। तो ये मसले की कुछ ज़रूरी बातें थी इस मसले के मुताबिक जो मैंने अर्ज़ की आपके सामने। القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة